अभी हम कोसी नदी के ब्रिज पे मौजूद हैं और सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर देख करके किसी का भी दिल घबरा जाएगा, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नदी जो है, ये कोसी नदी अब हाई अलर्ट पे चल रहा है। हाई अलर्ट का मतलब ये है कि ये नदी अब उफान पे है और इस बात की अंदेशा लगाई जा रही है कि अब भयानक बाढ़ जो है उत्तर बिहार के कई जिलों में आने वाली है। दो दिन पहले ये खबर आई थी और उस खबर में ये प्रकाशित किया गया था कि कोसी नदी पे जो डैम बना है और उस डैम में जो फाटक बने हैं उसमें से 56 के 56 फाटक को खोल दिया गया और जिसके वजह से 4.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल के रास्ते से सीधा कोसी नदी से होते हुए उत्तर बिहार में प्रवेश कर रहा है। और बाकी ये पानी का मात्रा जो है, ये सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये पानी का जो टोटल मात्रा है पिछले 36 सालों के बाद में नेपाल से इतना ज्यादा मात्रा में पानी जो है उत्तर बिहार में प्रवेश कर रहा है और कोसी नदी के रास्ते से प्रवेश कर रहा है। हम चाहेंगे कि पहले आप एक बार इस तस्वीर को खूब ध्यान से दिखाइए, जहां जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक केवल नदी का उफान ही उफान आपको नजर आएगा और पूरे उत्तर बिहार में अब बाढ़ का अंदेशा लग रहा है। साथ में इस नदी में जैसे जैसे जल का स्तर जो है बढ़ रहा है, वैसे वैसे पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जैसे उत्तर बिहार के पूर्वांचल के जितने भी सारे जिले हैं उसको हाई अलर्ट मोड पे रखा गया और इसके लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर का भी व्यवस्था करवा दिया। बाकी यह ब्रिज आप देख सकते हैं, यह ब्रिज जो है आवागमन का मुख्य साधन है और इसके बगल में एक रेलवे ट्रैक है जिसे रेलवे का लाइन भी बनाया गया है। बाकी ये नदी अब उफान पे आ गया, मुझे लगा कि ये तस्वीर आपको आपके पास तक पहुंचाना चाहिए कि आपको पहले से ये जानकारी हो कि अब बाढ़ की परिस्थिति बन गई है और बाढ़ जैसी स्थिति हो गई और एक बार फिर से जो है पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया जैसे पूर्वांचल के कई जिलों के लोगों के दिल में ये डर सताने लगा कि इस बार के बाढ़ में हमारा नया बना बनाया हुआ घर रहेगा या बर्बाद हो जाएगा या टूट जाएगा या ढह जाएगा। लोग इस बात की भी चिंता जताने लगे हैं कि बाढ़ की जब दृश्य आती है उसके बाद कौन किसको बचाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है तो लोगों के दिल में एक सवाल चलने लगता है कि कहीं हम एक दूसरे से और अपने से जुदा ना हो जाए, अपने को खो ना दे। बाकी ये प्रकृति आपदा का एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश जो है पहाड़ी क्षेत्र में हुई है और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण नेपाल में इतना ज़्यादा पानी का मात्रा बढ़ गया और नदी उफान पे गई कि उस पानी को रोकना जो है कतई संभव नहीं था। तब जाकर के कोसी डैम पे बने 56 के 56 फाटक को खोल दिया गया। अब 56 फाटक को खोलने के बाद 4.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है नेपाल से बिहार में प्रवेश कर रहा है और पिछले 36 सालों का जो आंकड़ा था उसका रिकॉर्ड इस बार नेपाल की बारिश ने तोड़ दिया और 4.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल के रास्ते से बिहार में आने को आ भी रहा है और साथ में लोगों को इस बात का डर भी सता रहा है कि अब हमारी फसलें बर्बाद हो जाएगी, हमारा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, घर में रखे अनाज बर्बाद हो जाएंगे। और इस बात का भी सबसे ज्यादा डर लोगों को सता रहा कि कहीं इस प्रकृति आपदा के शिकार हम ना हो जाए और हमारे अपने लोग जो हैं इस बाढ़ में हमसे जुदा ना हो जाए। बाकी जाते जाते एक बार हम चाहेंगे फिर से पूरी तस्वीर को आप देख लीजिए, सामने भी देख सकते हैं एकदम पानी में किस तरह से भावड़ा है और पानी में धूल और मिट्टी की जो मिलावट है वो सबसे अधिक है, जिसे देख करके ये प्रतीत हो रहा है कि बाढ़ के समय में ठीक इसी प्रकार का पानी जो है नदियों में आया करता है। और ये दृश्य मैं आपको कोसी नदी से दिखा रहा था, बाकी कोसी नदी का यह ब्रिज है जिस पर चलती गाड़ियों को भी आप देख सकते हैं। बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।